देखो यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरा फ्रेंड समर, उसने यहाँ पर मुझे एक इमेज या फोटो भेजा हुआ है और यहाँ पर उसने पासवर्ड लगा कर भेजा है और उसने मुझे फोन में कह दिया कि इसका पासवर्ड है 1 से 8 तक, तो लिख यहाँ पर और तेरा यहाँ पर ये इमेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए फटाफट देखता हूँ कि ऐसा होता है क्या। तो देखिए यहाँ पर 1 से 8 तक मैंने लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ ओके। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इमेज खुल चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से, जो पहले मैं यहाँ पर नहीं देख पा रहा था, पासवर्ड एंटर करने के बाद ही मैं देख पा रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप कैसे कर सकते हो, और यहाँ पर मैं बता दूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी ग्रुप में भेजना चाहते हो जिसे आपको दिखाना है उसको आप पासवर्ड बता दो फ़ोन में, या कहीं भी आपको अगर भेजना है पासवर्ड लगाकर, तो ईजिली आप कैसे भेज सकते हो, चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो देखो इसके लिए आपको सिंपली चले जाना है अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में। तो यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन हो गया और उसके बाद आपको पर सर्च बार में सर्च करना होगा, जो मैं कर रहा हूं आप देखिए। आपको सिंपली यहां पर लिखना होगा PDF टू गो, जो कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप देख पा रहे हो PDF टू गो यहां पर आपको लिखना होगा। तो इसे जैसे हमने सर्च किया, ये वाला रिजल्ट हमें ओपन हो गया, इसे हम यहाँ पर ऑन करते हैं और साथ में यहाँ पर डेस्कटॉप सेट कर देना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ग्रीन कलर में है आप देख पा रहे हो ये वाला कन्वर्ट टू PDF, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर सिंपली जाना किस में है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है JPG टू PDF, इस वाले में आपको सिंपली टैप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन मिल जाता है, सो यहाँ पर हम इसे अपना गैलरी में यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर जो भी फोटो में आपको पासवर्ड लगाना है, सबसे पहले आप उस फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करें, जैसे कि मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक अपलोड होने लगता है और यहाँ पर ये इजिली काम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर अपलोड हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कर देता हूँ और यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हो चुका है और यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, और इससे आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ये रहा आपका फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर और बाकी है, वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि ऊपर आ चुका है हमारा डाउनलोड और इसे हम ओपन करते हैं, तो ये देखिए कुछ हमारा इस तरीके से PDF फॉर्मेट में आ चुका है, लेकिन हमें इसमें पासवर्ड लगाना होगा। ये तो हो चुका, अब देखिए इसमें हमें पासवर्ड लगाने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो देखिए इसे अब हमें सिंपली यहाँ से बैक चले जाना है। तो चलिए प्रोडक्ट्स यहाँ पर हम बैक जाते हैं और इस साइड से भी हमें यहाँ पर बैक चले जाना है, तो यहाँ पर इसे भी हम बैक जाते हैं। अब यहाँ पर आपको रेड वाले सेक्शन में आ जाना है, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है इम्प्रूव टू PDF और यहाँ पर देखिए प्रोटेक्ट PDF। प्रोटेक्ट PDF में जैसे कि आपको यहाँ पर लॉक का साइन नज़र आ रहा है आइकॉन, और यहाँ पर इसमें हमें चूज फाइल पर चले जाना है प्रोडक्ट से। तो चलिए यहाँ पर, और हमने यहाँ पर जैसे कि डाउनलोड किया ये वाला PDF और उस PDF में हमें सिंपली टैप कर देना होगा। तो चलिए आप यहाँ पर इमेज नहीं, जो PDF आपने डाउनलोड किया उसमें टैप कीजिए और उसके बाद ये यहाँ पर इस तरीके से लोडिंग अपलोड होना लगेगा और यहाँ पर आप देख पा रहे हो इंटर पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम पासवर्ड लगाते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं, तो चलिए यहाँ पर कोई एक पासवर्ड सेट करते हैं, 1 2 3 4 5 0 यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको अगेन यहाँ पर रिपीट करना है 1 2 3 4 5 0 और यहाँ पर ये वाला पासवर्ड हमने सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें कर देना है इसे स्टार्ट, सो यहाँ पर हमने इसे स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर देखिए ये प्रोसेसिंग ले रहा है और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जो देख पा रहे हैं यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। और चलिए फटाफट से इसे हम यहाँ पर डाउनलोड भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा लोड लेगा, उसके बाद देखिए डाउनलोड आ गया है। और यहाँ पर आप चाहो तो अपने जो फाइल है उस फाइल में आप यहाँ पर कैसे भी नेम दे सकते हो, जो आपको नेम पसंद है उसका यहाँ पर रीनेम आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, और चलिए तो यहाँ पर कुछ भी ऐसे रेंडमली मैं लिख दे रहा हूँ, आपको जो चाहिए आप उस तरीके से लिख दें। और यहाँ पर लिख देने के बाद जो डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाए तो उसे डाउनलोड कर देना है, सिंपली फटाक से डाउनलोड हो जाता है, ज़्यादा कुछ MB का है नहीं। तो चलिए यहाँ पर देख पा रहे ये डाउनलोड हो चुका और दिस फाइल इज प्रोटेक्टेड, आप यहां पर देख सकते हो जो एंटर किया था हमने पासवर्ड वो यहां पर जैसे हम लिखते हैं तो ये फाइल हमारे यहां पर ओपन हो जाता है। तो चलिए यहां पर दिखाता हूं आपको, जैसे कि आपके सामने यहां पर लिखा हुआ था मैंने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 n 0, उसके बाद यहाँ पर सिंपली हम ओपन करते हैं, तो ये देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा फाइल बिल्कुल प्रोटेक्ट हो चुका है और इसे आप चाहो तो जहाँ भी शेयर करना मन आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं अगेन समर को ही यहाँ पर सेंड करना चाहता हूँ और देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर समर का नाम एक मिनट सर्च कर लूँ
और यहाँ पर ये जो फाइल है डायरेक्ट मैं समर को सेंड कर रहा हूँ। और ये देखिए ये वाला जो फाइल है पीडीएफ हमने लगाया हुआ था लॉक वाला, ये सेंड हो चुका है। और इसे जैसे ही यहाँ पर अगर समर ओपन करता है तो मुझे उसे पासवर्ड बताना होगा, वरना ये वो फाइल को नहीं ओपन कर पाएगा। तो उसके मोबाइल में जो भी हो यहाँ पर ओपन करे, उसके बाद पासवर्ड मैंने अगर उसे बता दिया तो ओपन कर पाएगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया पासवर्ड मैंने सेट कर रखा था 12345 एंड 0। वो जैसे यहाँ पर एंटर करेगा 12345 0, उस तरीके से यहाँ पर ये फाइल उसका ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो वीडियो कैसा लगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे ट्राई कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स से बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है, जाकर फटाफट चेक कीजिए चैनल में। और मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि और भी अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। टिल देन गुड बाय।